स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਹਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ प्लेन कार्बन स्टील भी कहा जाता है। ये जी कार्बन स्टील है ये अगह तीन प्रकार की होंगी है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील ते हाई कार्बन स्टील। ये जी ये अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील ते हाई कार्बन स्टील, ये कार्बन की मात्रा करके ही किया गया है। इन तिना की जी प्रयोग है वरतों है वह भी वक् वक् होंगी है। सो आओ आप अज के टॉक में पढ़ते हैं कि कार्बन स्टील की होंगे, वोदिया किस्म कि कार्बन की मात्रा है, तो कितने कितने वो वरते जाते हैं। कार्बन स्टील जिवें आपां पहलां भी दस चुके हैं कि इहदे विच सिर्फ शुद्ध लोहा ते कार्बन ही मुख इहदे अंश हुंदे है, होर कोई भी धात इहदे विच मिक्स नहीं कीती हुंदी, ते इहनूं प्लेन कार्बन स्टील भी कहा जाता है। कार्बन स्टील तीन प्रकार की हुंदी है। सब तो पहलां आपां गल करदे हां लो कार्बन स्टील, इहनूं माइल्ड स्टील भी कहा जाता है, ते इहदे विच जिहड़ी कार्बन की मात्रा है वो 0.25% तक हुंदी है। ये मैलेबल होंगे, डकटाइल होंगे, इनू फोर्जिंग भी कर सकते हैं, वैल्डिंग भी कर सकते हैं, तो मशीनिंग भी कर सकते हैं, इनू आपां लेथ मशीन पर या मैलिंग मशीन पर काम किया जा सकता है, तो पर इनू टेंपर नहीं कर सकते आपां। इहदी क्वालिटी है लो कार्बन स्टील की, भी इनू टेंपर नहीं किया जा सकता, सख्ती वाले जिहड़े गुण है वो इहदे विच घट होंदे है। इस करके इहदी जिहड़ी वरतों है वो वायर शीट, राउंड शीट, फ्लैट ते एंगल चैनल आदि बनाने दे विच कीती जाती है। अगे गल करते हैं जी आप मीडियम कार्बन स्टील की। मीडियम कार्बन स्टील विच जिहड़ी कार्बन की मात्रा है वो 0.25% तो लैके 0.70% तक होंदी है। ये लो कार्बन स्टील नालों डकटाइल ते मैलेबल घट होंदा है, ते इहदी जिहड़ी वरतों है वह तारा बनाने वास्ते, पैपां बनाने वास्ते, छोटे एक्सल बनाने वास्ते, तो हाथ के औजार बनाने वास्ते की जाती है। नंबर तीन ते है जी हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील दे विच कार्बन की मात्रा 0.70 तो लैके 1.5% तक होंदी है। ये उपरले दोनों जिहड़े स्टील आपां पढ़े है लो कार्बन स्टील ते मीडियम कार्बन स्टील, उन्हां दोनों के मुकाबले ये बहुत घट डकटाइल ते मैलेबल हुंदा है। इनू वरतन तो पहला टैंपर ते हार्ड करना जरूरी है, ते जिहड़ा हाई कार्बन स्टील है टैंपर करन तो बाद इहदियां आपां छैणियां बना सकते हैं, रेतियां बना सकते हैं, डाइयां बना सकते हैं, ड्रिल शाफ्टां बना सकते हैं, हैमर बना सकते हैं। जिवें आपां गल कीती है कि जिहड़ा हाई कार्बन स्टील है ये बहुत घट मैलेबल हुंदा है ते बहुत घट डकटाइल होंदा है। सो हाई कार्बन स्टील नूं वरतन तो पहला इनू हार्ड ते टैंपर करना जरूरी होंदा है। हार्ड ते टैंपर करन तो बाद इहदे विच कठोरता आ जाती है, तो इस करके जिहड़े कटिंग औजार है वह सारे हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। स्टील बनाने दी जिहड़ियां विधियां ने उन्हां बारे भी आपां गल करदे हां कि मुख रूप दे विच स्टील बनाने दी जिहड़ियां विधियां उह कहड़ियां है। पुरानियां विधियां ने ते एक अजोकी विधि है जिहड़ी अजकल बहुत होंद दे विच आई है। पहलां आपां गल करदे जिहड़ियां पुरातन विधियां ने स्टील बनाउण दीआं, इहदे विच है सीमेंटेशन प्रोसैस, बैसीमर प्रोसैस, क्रूसीबल प्रोसैस ते ओपन हर्थ प्रोसैस। ये स्टील उत्पादन दीआं पुरानियां जिहड़ियां इह विधियां ने चारे, सीमेंटेशन प्रोसैस, बैसीमर प्रोसैस, क्रूसीबल प्रोसैस ते ओपन हर्थ विधि। अजक जी प्रचलित है स्टील उत्पादन की जी प्रोसैस है वह कहें इलैक्ट्रिक विधि। ये अज के जमाने की बड़ी ही विकसित यह टनीक है। ये पिघले हुए लोहे के
कार्बन की मात्रा जी बड़ी आसानी कंट्रोल की जाती है क्योंकि लेटैसट टैक्नोलॉजी के नाल यह जी विधि है यैस है। ये आर्क भट्ठी हाई फ्रिकुएंसी जी दो प्रकार की भट्ठी है जी बनाई जाती है जिन्हों बिजली शक्ति ओपरेट किया जाता है। सो स्टील उत्पादन कित्थे कित्थे हुंदा हिंदुस्तान दे विच ए सवाल भी आम ही जिहड़ा एग्जाम दे विच हर बार पूछा जाता है। मुख्य रूप दे विच जिहड़ा स्टील उत्पादन है हिंदुस्तान दे विच ओ छे थावां ते कीता जाता है। टाटा आयरन स्टील बिहार दे विच है, भिलाई स्टील प्लांट मध्य प्रदेश दे विच, ते बोकारो स्टील प्लांट ये भी बिहार दे विच है, रुड़केला स्टील प्लांट उड़ीसा दे विच है, ते विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश। ये छे बहुत बड़े पद्धर ते स्टील का उत्पादन होंदा हिंदुस्तान दे विच। ये मैं दोबारा रिपीट कर दिया, टाटा आयरन स्टील जिहड़ा कि बिहार दे विच है, ये है भिलाई स्टील प्लांट जिहड़ा कि मध्य प्रदेश दे विच है, बोकारो स्टील प्लांट ये बिहार दे विच है, ते विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश दे विच है, रुड़केला स्टील प्लांट ये उड़ीसा दे विच है। ये छे जिहड़े स्टील प्लांट है हिंदुस्तान दे बहुत बड़े प्लांट है जिथों पूरे भारत वर्ष की जिहड़ी स्टील की जिहड़ी लोड़ है वो इन्हां स्टेशनों के उपर स्टील प्लांट प्लांटा दे विच स्टील जिहड़ा तैयार करके पूरे हिंदुस्तान दे विच ते होर बाहर मुल्कां दे विच भी भेजा जाता है। अगे है जी अलॉय स्टील। अलॉय का मतलब है मिश्रित स्टील। अलॉय स्टील है जिहड़ा इन्हां सारे स्टील तो ज़्यादा 100 साल सब तो वध क्वालिटी पक्षों हर तरह की क्वालिटी पक्षों जिहड़ा अलॉय स्टील है वह बैटर होंदा है। अलॉय स्टील तैयार किवें होंदा है, जिहड़े स्टील बारे आपां पढ़ के हटिया होणे हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील ते मीडियम कार्बन स्टील, इन्हां दे विच इन्हां दे विच कुछ होर धातां मिलाईआं जांदीआं, मिश्रण बनाया जांदा है। इक कल्ले लोहे तो अलावा, स्टील तो अलावा, कार्बन तो अलावा होर उहदे विच धातां मिला के एक मिश्रित स्टील तैयार कीती जांदी है जिहड़ी गुणवत्ता दे विच इन्हां सारे स्टील नालों बहुत ही उच्च क्वालिटी दी हुंदी है। सो अज दा अपना इह टॉपिक सीगा कि कार्बन स्टील की हुंदा है, शुद्ध लोहा ते कार्बन दा जिहड़ा मिश्रण है वह कार्बन स्टील आपां कहिंदे आ, इहनूं प्लेन कार्बन स्टील भी कहा जाता है। ये किन्ने प्रकार का होंदा है, ये 3 प्रकार का होंदा है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील ते हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील दे विच कार्बन की मात्रा किन्नी होंदी है, 0.25%, ते मीडियम कार्बन स्टील दे विच कार्बन की मात्रा 0.25% तो 0.70% तक होंदी है। हाई कार्बन स्टील दे विच जिहड़ी कार्बन की मात्रा है वह 0.7% तो 1.5% तक होंदी है। ते जिहड़ा स्टील बनाउण दीआं जिहड़ीआं पुरातन विधियां ने वह हैगीआं सीमेंटेशन प्रोसैस, बैसीमर प्रोसैस, क्रूसीबल प्रोसैस ते ओपन हर्थ प्रोसैस। लेटैसट जिहड़ी अजकल दे समें दे विच स्टील उत्पादन वास्ते विधि अपनाई जांदी है उहनूं कहिंदे आपां इलैक्ट्रिक प्रोसैस। इलैक्ट्रिक प्रोसैस दे विच आर्क भट्ठी ते हाई फ्रिकुएंसी जिहड़ी भट्ठी है वह वरती जाती है, ते इह जिहड़ीआं भट्ठीआं ने दोवें इह बिजली शक्ति नाल ओपरेट हुंदीआं ने। ते इहनां इलैक्ट्रिक जिहड़ी भट्ठी है, इलैक्ट्रिक फर्नेस है, जिहड़ी इलैक्ट्रिक प्रोसैस है जिहड़ा इहदे विच स्टील बनाया जांदा है, इह लेटैसट टैक्नीक दे नाल लैस हुंदा है। ते नतीजे वजों इहदे विच कार्बन की मात्रा जिहड़ी कंट्रोल करनी सौखी है। ते जिहड़ा अलॉय स्टील है, मिश्रित स्टील है जिहड़ा वह भी इलैक्ट्रिक प्रोसैस नाल तैयार किया जाता है क्योंकि मिश्रित स्टील बनाने वास्ते उहदे विच एक तो वध जिहड़ियां धातां ने वो मिलाईआं जांदियां ने। मिश्रित स्टील दे विच जिहड़े आपां जिवें हुणे गल कीती है कि मिश्रित स्टील की गुणवत्ता जिहड़ी वह बाकी स्टील नालों बहुत वधिया हुंदी है। सो अज दा अपना ये टॉपिक सीगा कि कार्बन स्टील ते मिश्रित स्टील दे विच की अंतर है, कार्बन स्टील किन्ने प्रकार दा हुंदा है, कार्बन की किन्नी किन्नी मात्रा जिहड़ी वह कार्बन स्टील दे विच पाई जांदी है। अगले चैप्टर दे विच आपां कुछ मिश्रित स्टील ने जिहड़े मुख्य रूप दे विच आपां वरत्या उहदे बारे गल करांगे। धन्यवाद।